जापान के टोकाइमुरा न्यूक्लियर प्लांट 30 सितंबर 1999। एक्सीडेंटली यहाँ पे हॉरिफिक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हुआ जो लैब में काम कर रहे दो लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। हिशाशी ओउची ने सफर किया सबसे डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। किसी भी इंसान को आज तक इतना ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं मिला था। मोस्ट रेडियो एक्टिव मैन इन हिस्ट्री ओउची को उसके इच्छा के खिलाफ 83 डेज तक जिंदा रखा गया। वो बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि उसे मरने दिया जाए, लेकिन ये सब हुआ कैसे? सितंबर 1999, टोकाइमुरा न्यूक्लियर प्लांट को टाइट शेड्यूल दिया गया था। न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की काम चल रही थी। एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उन लोगों ने कुछ स्टेप स्किप कर दिया। वो देख रहे थे क्या एनरिच्ड यूरेनियम का यूज करके जल्द से जल्द न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जा सकता है। लेकिन जब भी न्यूक्लियर एनर्जी का काम होता है, सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्हें एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड से मिला के प्रोड्यूस करना था यूरेनाइल नाइट्रेट, जो न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम करता है। उनके ऊपर प्रेशर था कुछ स्टेप स्किप करके यहाँ तक सेफ्टी प्रिकॉशन बिना फॉलो किए जल्दी से जल्दी इस फ्यूल को रेडी किया जाए, क्योंकि जापान को एक्सपेंसिव न्यूक्लियर एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। सितंबर 30 की सुबह हिशाशी ओउची और उनके को वर्कर्स मासाटो सिनोहारा और 54 ओल्ड सुपरवाइजर युटाका यकोकावा ने डिसाइड किया एक शॉर्टकट लेने का। ओउची पिछले 10 साल से उस प्लांट में काम कर रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी वेल ट्रेन नहीं था जो समझ पाए कि उनकी गलती का नतीजा कितना भयानक हो सकती है। अराउंड 10 AM ओउची और उनके को वर्कर्स यूरेनियम और नाइट्रिक एसिड मिक्स करना स्टार्ट किया। ऑटोमेटिक पंप यूज करके उन्हें एग्जैक्टली 5.3 पाउंड यूरेनियम डालना था, लेकिन उन लोगों ने पंप की जगह अपना हाथ यूज करके 5.3 की जगह 35 पाउंड यूरेनियम डाल दिया। अचानक अराउंड 10:35 AM एक ब्लू फ्लैश बर्स्ट हुआ, चेन रिएक्शन शुरू हुआ। ओउची को पता चल गया था उसने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमीडिएटली ओउची को इंटेंस पेन और वो उल्टिया करने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया था, वो बेहोश हो गए। उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। ओउची को 17 सीवर्ट्स रेडिएशन लगा था, जहां 8 सीवर्ट्स को ही डेडली माना जाता है। मासाटो थोड़ा दूर था तो उसे 10 सीवर्ट्स लगा और उसके मृत्यु भी निश्चित हो गई। और योकुटा जो 4 मीटर दूर था उसे 3 सीवर्ट्स डोज लगा। ओउची ने जो एक्सपीरियंस किया वो ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने नहीं की। रेडिएशन उसके सारे क्रोमोसोम डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बॉडी में कोई डीएनए नहीं था, सारे व्हाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बॉडी जैसे 3rd degree बर्न हो गई, स्किन निकल के आने लगे और विदाउट स्किन उसके बॉडी से सारे लिक्विड लीक होना शुरू हुआ। उसे हाइड्रेटेड रखने के लिए बाहर से फ्लूइड दिया जा रहा था कंटिन्यूअसली, लेकिन ज्यादातर फ्लूइड उसके बॉडी से लीक होके बेड पे सोक कर रहा था। डॉक्टर्स को पता था ओउची बच नहीं सकते, कोई भी इंसान बच नहीं सकता। व्हाइट ब्लड सेल रिस्टोर करने के लिए उसे उसके सिस्टर के बॉडी से ट्रांसप्लांट किया गया। पहले लगा वो काम कर रही है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट्स बढ़ने लगा था, लेकिन उसके बॉडी रेडिएशन से इतनी ज्यादा पॉइजन्ड हो चुकी थी कि बॉडी उस व्हाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। बॉडी का इम्यून सिस्टम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उसे एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। वो बार बार बेहोश हो जाता था, उसके आंख से पानी की जगह खून निकलता था। डॉक्टर ने कैंसर ट्रीटमेंट ट्राई किया, स्किन ग्राफ्टिंग की गई, दिन में 24 बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रहा था उसे जिंदा रखने के लिए। ये सब ट्रीटमेंट अनबिलीवेबली टॉर्चरस था ओउची के लिए। डॉक्टर्स ने कभी ऐसे पेशेंट को ट्रीट नहीं किया था, तो उनके लिए भी ओउची जैसे एक गिनी पिग था। हॉस्पिटल में 1 वीक रहने के बाद वो रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे मरने दिया जाए, वो और नहीं सह सकता। लेकिन उसके वाइफ, बहन और बेटे ने होप नहीं छोड़े। उन्होंने उसकी इच्छा मृत्यु की पेपर साइन करने से मना कर दिया। उसके स्किन ग्रो नहीं हो रहे थे, इसलिए उसके पूरी बॉडी को बैंडेज कर दिया गया ताकि लिक्विड लीक ना हो। मसल्स उसके बोन से निकल जाने लगे, इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ गए। उसके बॉडी एक स्केलेटन बन चुकी थी जिसके ऊपर कुछ ही मांस लगे हुए थे। राइट लेग नी जॉइंट से निकल गया। 59 डेज के बाद उसे हार्ट अटैक हुआ, जिसके वजह से उसके ब्रेन डैमेज हो गया। 21 दिसंबर फाइनली 83 डेज के बाद एक फाइनल हार्ट अटैक में उसकी मौत हो गई। ओउची का कॉलिग्स सिनोहारा रिकवर करने लगा था, लेकिन फेब्रुअरी 2000 न्यूमोनिया की वजह से उसकी मौत हो गई, क्योंकि रेडिएशन उसके लंग्स को डैमेज कर दिया था। योकोकावा ने 6 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद रिकवरी किया। उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुआ कि उस प्लान में सेफ्टी मेजर फॉलो नहीं किए गए थे। लेकिन ओउची ने जो सफर किया वो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने नहीं की।